हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं स्नूपिंग टीसीपी के बारे में, जिसको हम एसटीसीपी भी बोल सकते हैं, एंड इट इज़ अ इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ आईटीसीपी। आईटीसीपी हम प्रीवियस वीडियो में देखे हैं कि आईटीसीपी में क्या होता है, कि पूरे टीसीपी को दो डिफरेंट पार्ट्स में हम ब्रेक करते हैं, स्टैंडर्ड टीसीपी और वायरलेस टीसीपी। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस आईटीसीपी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है, और कैसे इम्प्रूवमेंट की गई है यहाँ पे एक हमने स्नूपिंग लेयर ऐड कर दी गई है। सो इट एड्स अ स्नूपिंग लेयर दैट स्नूप्स। स्नूप्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली मॉनिटर। सो दैट स्नूप्स द पैकेज ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड के पैकेजेस को मॉनिटर करता है, स्नूप करता है ये वाली लेयर। अब इस हम पे क्या होता है कि जो फॉरेन एजेंट होता है, इट बफर्स द पैकेट विद बेस्ट ऑफ डेस्टिनेशन एमएच, कि जो डेस्टिनेशन एमएच के पैकेट्स है ना, उसको बफर में करके रख लेता है अपने पास, ठीक है, उसको बफर में करके रख लेगा और क्या करेगा साथ में, एंड इट ऑल्सो स्नूप्स पैकेट फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन में जो पैकेट का फ्लो हो रहा है उसको भी स्नूप करेगा, उसको भी ये मॉनिटर करेगा। अब इसमें क्या होता है कि ये एक्नॉलेजमेंट को रिकग्नाइज करता है, सो इट रिकग्नाइजेज द एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, अब देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि फॉरेन एजेंट सेंड्स द एक्नॉलेजमेंट टू बोथ साइड्स आफ्टर रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट इटसेल्फ। पहले एक्नॉलेजमेंट किसको मिलेगी, फॉरेन एजेंट को, उसके बाद वो दूसरी साइड को एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। एंड इफ फॉरेन एजेंट डजंट गेट एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम मोबाइल होस्ट, इट क्विकली रिट्रांसमिट्स द पैकेट एंड दस द टाइम इज सेव्ड। अगर मोबाइल होस्ट से एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है फॉरेन एजेंट को, तो वो एकदम से पैकेट को रिट्रांसमिट कर देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे काम करेगा बेसिकली। तो यहाँ पे हमारे पास सेम आईटीसीपी की तरह एक मोबाइल होस्ट है, यहाँ पे हमारे पास फॉरेन एजेंट है, वायर्ड इंटरनेट, और ये हमारे पास है कॉरेस्पॉन्डेंट नोड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास किस तरह से कम्युनिकेशन है, मोबाइल होस्ट से फॉरेन एजेंट तक दिस इज ऑन वायरलेस टीसीपी, ठीक है, एंड फ्रॉम फॉरेन एजेंट टू वायर्ड इंटरनेट हमारे पास वायर्ड कनेक्शन है, या फिर जिसको आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड टीसीपी है हमारे पास। ठीक है, अब ये जो फॉरेन एजेंट है यही सारी एक्नॉलेजमेंट को मॉनिटर करेगा। ठीक है, तो जितनी भी एक्नॉलेजमेंट का मॉनिटरिंग है वो कौन कर रहा है, फॉरेन एजेंट कर रहा है। तो इस तरह से आप कुछ देख सकते हो इसे, ठीक है। सो यहाँ पे तो क्या कर रहा है, स्नूपिंग कर रहा है एक्नॉलेजमेंट की, मोबाइल होस्ट से अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती तो एकदम से पैकेट को ट्री ट्रांसमिट करेगा, और यहाँ पे जितने भी डेटा पैकेट्स हैं उनको बफर कर रहा है। सो बफरिंग ऑफ डेटा पैकेट्स, अभी जो फॉरेन एजेंट है ये पूरा स्नूप करता है, जितना भी पैकेट आपके यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहे हैं फॉरेन एजेंट से, लेट अस से मोबाइल होस्ट जा रहे हैं, या फिर मोबाइल होस्ट से फॉरेन एजेंट जा रहे हैं, या फिर जितना भी पैकेट्स आपका वायर्ड इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे जा रहा है, या फिर कॉरेस्पॉन्डेंट नोड से यहाँ पे आ रहा है, इस सब पैकेट्स को कौन स्नूप करेगा, कौन मॉनिटर करेगा, फॉरेन एजेंट। ये इसको स्नूप करता रहेगा, दोनों साइड के एक्नॉलेजमेंट को भी रिकग्नाइज करेगा, अगर यहां से एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंचती तो एकदम से पैकेट को यहां पे रिट्रांसमिट कर देगा। सो दैट इज हाउ दिस स्नूपिंग टीसीपी वर्क्स। सो बेसिकली यहां पे आइडिया क्या है कि एक स्नूपिंग लेयर ऐड कर दी गई है, जो कि डेटा पैकेट के फ्लो को और एक्नॉलेजमेंट को स्नूप करता रहता है। अब इससे सबसे बड़ा फायदा यही है कि जो आपका रिट्रांसमिशन है वो और भी ज्यादा फास्ट हो जाता है यहां पे। सो नाउ लेट अस सी सम ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस स्नूपिंग टीसीपी। सबसे पहला तो टीसीपी प्रिजर्व रहता है जस्ट लाइक आईटीसीपी। हैंडओवर इज नॉट रिक्वायर्ड इमीडिएटली। अब हैंडओवर क्यों नहीं चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि काफी सारे डेटा पैकेट्स यहाँ पे इसने बफर कर रखे हैं, तो अगर आपका मोबाइल होस्ट मूव भी कर जाता है तो स्टिल इसके पास कुछ डेटा पैकेट्स हैं पहले से बफर में ट्रांसमिट करने के लिए, तो इसलिए हैंडओवर एकदम से नहीं चाहिए होता।
देन फॉरेन एजेंट डज मोस्ट ऑफ द वर्क, तो सारा काम जो है कौन कर रहा है, फॉरेन एजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जो आपका मोबाइल होस्ट है, कॉरेस्पॉन्डेंट नोड है, उसके ऊपर इतना बर्डन नहीं आएगा। एंड देन फास्टर ट्री ट्रांसमिशन, ये इसका एक मेन इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। देन डिसएडवांटेजेस, इट डजंट डिफ्रेंशिएट बिहेवियर ऑफ वायरलेस लिंक एज इन द केस ऑफ ITCP। जैसे कि ITCP का था कि वायर्ड और वायरलेस लिंक्स के बीच में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं था, इसी तरह से इसमें भी नहीं है। देन नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट रिजल्ट्स इन मोर नंबर ऑफ मैसेजेस, अगर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट हो रही है आपकी तो उसमें बहुत ज़्यादा मैसेजेस का रिट्रांसमिशन होगा, ठीक है। एंड इट डजेंट वर्क ऑन इनक्रिप्टेड डेटा, अगर डेटा इनक्रिप्टेड है तो स्नूपिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए इनक्रिप्टेड डेटा के ऊपर ये वाला TCP काम नहीं करता है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव मोर सच वीडियो नोटिफिकेशन। थैंक यू।